ये बंदा बिंदास है। बहुत बढ़िया मंच से जाया गया है। अच्छा, सुनने के साथ देखने का कभी बेटा, इसलिए देखते रहे। स्वर कोयलिया का खत्म हुआ, अब स्वान कौए का रचने वाला है। अभी आपने सुनी मधुर तान और अब फटावाज बजने वाले। बहुत बढ़िया, माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मैं भी माँ सरस्वती की वंदना से अपना क्रियाक्रम शुरू करना चाहता। और अब आप ये देखिए कि एक हास्य रस का कवि अगर माँ सरस्वती की वंदना करे तो कैसे करे? हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, मुझे तो ता दे। पांच मिनट खड़े हो जाओ। हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, हे माँ शारदे, मुझको तू तार दे। वो देश के जितने भी गधे नेता है उन सबको मार दे। वाह 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 वाह, डीसीएम वाह डीसीएम। अब ये मुझसे कहने लगे था, मैं भाई साहब चाय वाले से इसलिए जाता हूँ कि पता नहीं कब प्रधानमंत्री बन जाए। बढ़िया बढ़िया दादा, बढ़िया। अब ये राजा जी मुझसे कहने लगे, यार दादा एक बात तो देखो, एक बात तो ये देखो कि गाय 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 ये कालचंद दादा का टाइम होता है सर। बैठ जा, कुछ भी नहीं है बेटा। अब ये मेरे से कहने लगे, यार दादा ये तो देखो आप कि माँ सरस्वती के पास तो कोई हथियार ही नहीं। बोले मैंने कि हाँ यार, फिर बोले अगर आंसू कभी हो तो जगदम दे की यार आपने कर दिया। बोले मैंने कि वो हाथ में लगाना परोले हमारे। मेरे जगदम्बे की आराधना करी राजेश जी। सुनो सुनो गोपाल जी, मैंने जगदम्बे की आराधना करी आशुरिया के शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, के शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, वो शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली।
और सारे गधे नेताओं को काजल दे रहा हूँ। नींद उड़ी कि नहीं उड़ी? मजा आया, मजा मुझे भी आया। ताली बजाओ जोर से। राजन दिया को भी मजा आया। अपन एक बात बताने था कि अपन जब तक खड़े रहेंगे तब तक मजे ही मजा देंगे, मजे ही मजा देंगे, मजे ही मजा देंगे। और अगर मान लो नहीं भी देंगे तो आप मेरा क्या कर लेंगे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन एक बात निश्चित है कि अपन टेंशन बिल्कुल नहीं देंगे। पर टेंशन इसलिए नहीं देंगे कि टेंशन हमने बात यही की। हाँ, अगर आपको किसी को टेंशन देना हो तो अपन तरकीब बता सकते हैं। भाई साहब, सुबह सुबह किसी अनजान व्यक्ति से नमस्ते कर लो। वो दिन भर टेंशन में रहेगा, अरे यार ये आदमी ठाकुर। और अगर मान लो अपने पड़ोसी को टेंशन देना हो तो और भी सरल, उससे सुबह सुबह पूछ लो, भाभी जी की तबीयत कैसी है। अरे वो दिन भर टेंशन में रहेगा, अरे यार लुगाई तो मेरी बीमार, इसको कैसे पता। तो टेंशन कोई नहीं दे सकता। मेरी एक 8 साल का लड़का है। अच्छा। मेरा सिर लगा, पापा पापा आपकी शादी हो गई? हो बेटा, किससे? मैं तेरी मम्मी से। और बोला मम्मी की? कि मम्मी की मुझसे। क्या यार पापा, घर के घर में शादी कर ली। क्या बात है, वाह 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 दादा। अब मैंने उसको पीट दिया था, और जब मैंने उसको पीट दिया तो आदरणीय, जब मैंने उसको पीट दिया तो उसने फिर मुझसे एक प्रश्न करा कि पापा एक बात बताओ, आपके पिताजी भी आपको पीटते थे क्या? मैंने कहा पीटते थे। बोला उनके पिताजी भी उनको पीटते थे क्या? मैंने कहा पीटते थे। बोला उनके पिताजी भी उनको पीटते थे क्या? मैंने यहाँ पीटते थे। मैंने कहा तू कहना क्या चाहता है? बोला मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये खानदानी गुंडागर्दी कब तक चलेगी। बढ़िया है। तो ये ऐसी स्थिति होती राजा जी, वो 8 साल के लड़के बहुत एबले होते हैं साहब। वो एक 8 साल का लड़का बगीचे में खेल रहे। अच्छा। दो पति पत्नी चुपचाप बैठे हुए थे, उनके पास जाके कहता है, अंकल अंकल आज इस खटारा को कहाँ से उठा रहा? उन्हें कि क्यों? बोले बोले कल वाली आंटी तो वो चीज वाला आंटी। ये बात कहते वो तो बक्से है भाई साहब, वो दोनों मियां बीवी हद भी लड़ रहे। वो टेंशन कोई नहीं देता। वो मेरे एक और 8 साल का लड़का है। मेरे से लगा क्या यार बड़े पापा, इधर उधर कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो, कल मेरा हिंदी का पेपर है, एक आध निबंध ही लिखवा दो। तो भाई साहब अपन ने तो पूरी एजुकेशन ही गाय का निबंध से कर दी। तो मैंने उसको गाय का निबंध लिखवा दिया। मैंने उसको गाय का निबंध लिखवा दिया कि लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, गाय के 4 पैर 2 कान और 1 पूंछ होती है, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली सफेद और चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की गाय होती है, और गाय सुबह शाम 2 किलो बाबा। गाय के बजाय किसी और पे आ गया तो, अरे मैंने गाय का नाम हटा के वो उसका चिक्को देना। वो दूसरे दिन में घर गया, घर जाके त्रिवेदी दूसरे दिन में घर गया, घर जाके मैंने वो पप्पू से पूछा, मैंने पप्पू पेपर दिया यार,
बोले हाँ पापा मैंने निबंध आया था तो कहाँ आया था, मैंने कहाँ पे आया था, बोले बाप पे आया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अरे मैंने कि तू क्या लेके आया, लेके आया पापा बाप एक उपयोगी पशु है। बढ़िया है। बाप के चार पे दो कान, अरे पूछ होती। बढ़िया है। बाप घास खाते, बाप कई प्रकार के काले, बाप कई प्रकार के होते हैं, काले सफेद और चितकबरे बाप। अच्छे प्रकार के बाप होते हैं। और भाई साहब कमाल की बात तो ये है, जब वो ये भी दिखाया कि बाप सुबह शाम दो किलो दूध पीते। जय हो, जय। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हमारे डीसीएम जोरदार तालियां बजा। तो मैं बता रहा था साहब 8 साल के बच्चे बहुत देख लो, वो एक लड़के से मिले पूछे राजा जी कि बेटा ये बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। उन्होंने कि सर आप जो हमको पढ़ा रहे हो ये सत्य है और हम पढ़ रहे हैं यही तो भ्रम है। वो एक उन लड़के से पूछ लिया मैंने कि बेटा ये बताओ भगवान श्री राम की रामनवमी क्यों मनाई जाती है। उनने एक सर भगवान श्री राम उस दिन 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। नहीं मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि कॉन्वेंट की संस्कृति कहाँ जा रही है। अपने देश की धरोहर को छोड़ के कॉन्वेंट की संस्कृति को यही नहीं मालूम कि देश कहाँ जा रहा है। एक लड़के से मैंने और पूछ लिया कि बेटा ये बताओ भगवान श्री राम के पिताजी का नाम क्या था। बनने की सर दशरथ। मैंने कहा उनके पिताजी का नाम, उनने सर बीज रख। स्थिति कॉन्वेंट की स्थिति दादा। बढ़िया बढ़िया करती। मैं आपको बताने जा रहा हूँ भाई साहब कहाँ पे था। मैं तो वही भारत के नक्शे से सोच रहा था। अरे मैं बोलता ही नहीं हूँ, तू ये देख रहे हो टेस्ट करके सुन रहे कि नहीं पीछे। पहुंच दिया तो दिन वो एक लड़के से मैंने और पूछा। बैठ जाओ। इससे पहले मैं आपको एक बार बताऊं, आप कहाँ जा रहे भैया, आप जिसको ढूंढ रहे हो वो आई नहीं। मैं आपको एक बात स्वागत, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं देश का एकमात्र ऐसा कवि हूं जो देश में तो देश में विदेश में भी आज तक वोट नहीं हुआ। पूरब से लेकर पश्चिम तक आदरणीय, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, डालचंद मनमोजी आज तक ऊट भय नहीं क्योंकि पहले के लगभग कहीं नहीं। और मैं आपको एक बात बता दूं राजा भैया कि मैं एकमात्र ऐसा, राहुल कुमारी गानों में, मैं एकमात्र ऐसा मर्द हूँ जो अपनी घरवाली से बिल्कुल नहीं डरता हूँ। नहीं
ये भी सच है, वो भी मुझसे नहीं डरती है। और हमारा आपस में बड़ा सामंजस्य है। मैंने उससे एक दिन एक लाख ठंडा पानी मांगा, एक लाख ठंडा पानी पिलाओ। उसने की नहीं पिलाऊ तो मैंने की मैं कुछ भर के पी लूंगा। कितना प्रेम है देखो। अरे ऐसा सामंजिक होना चाहिए भाई। तो आप बात मानोगे, वो मेरी घरवाली मुझसे प्रेम बहुत करती। एक दिन उनने मेरे ऊपर एक फूल फेंक के मार दिया राजू भाई, मेरे ऊपर फूल फेंक के मार दिया। मेरे चोट लग गई, मैं डॉक्टर साहब के पास गया। मैं डॉक्टर साहब, घरवाली ने फूल फेंक कर मार दिया है, मेरे चोट लग गई है, इसमें मल्लम पट्टी कर दीजिए। अब डॉक्टर साहब मल्लम पट्टी करते जा रहा है और मुझसे पूछते जा रहा है, यार मनमोजी जी एक बात बताओ, फूल की इतनी गहरी चोट तो नहीं लगती, मैंने मल्लम पट्टी भी करना पड़े। डॉक्टर साहब ऐसा है, फूल के साथ में गमला भी तो था। बाजी से इतने प्यार है। अब वो ये बता दूं मैं आपको भाई साहब, ये आशु भैया बैठे मेरे, इन्हें मोटरसाइकिल चलाने का बोझ हो। एक दिन ये मोटरसाइकिल से जा, इनके पीछे तीन सवारी और बैठी थी। अब वो थानेदार साहब ने रोका, रुको रुको आशु, चार सवारी बैठकर जाना अपराध है, चालान बनेगा, चारों के नाम बताओ। तो ये भी मूड में थे साहब, इनने कह दी लिख लो साहब, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। खानदार खान की, अच्छा तुम्हारे पिताजी का नाम दशरथ हो? अरे बोले तो आपको कैसे पता? अरे मैं तो तुम्हारे पूरे खानदान को जानता हूँ, मेरा नाम रावण है। बढ़िया 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 बढ़िया। हिंदुस्तान के नक्शे की तरह बैठे हुए लोगों को प्रणाम करते हैं, मंच को प्रणाम करता हूँ, मंच पर बैठे कवि गणों को प्रणाम करता हूँ और इस भीड़ में बैठे सारे अग्रवालों को प्रणाम करता हूँ। नहीं, अग्रवालों से मेरा मतलब है जो जाति से अग्रवाल है, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। मैं तो अग्रवाल उन्हें कहता हूँ जिनके आगे के बाल मेरी तरह सपा चट होते। मुझे हास्य रस की रचना सुनाने के लिए ब्यावरा से मंगवाया गया और मैं चार छह रचनाएं सुनाने के बाद यही शहीद हो जाऊंगा। और अगर मान लो शहीद नहीं हुआ तो आप गणेश जी की तरह विसर्जन कर सकते। इससे पहले कि मैं अपना अगला कविता पाठ शुरू करूं, मेरे सामने वो जो दो लोग लठ लेके खड़े हैं, उधर कोई भी नहीं। मैं तो रोज मंच में नहीं कहता हूँ, उनसे निवेदन है घर पे अच्छा पड़ोस देखकर बैठ जाए, क्योंकि ज्यादा देर तक खड़े रहने से पांव भारी होने का खतरा। मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हुए, सबसे पहले मैं इन बच्चों के माता पिताओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने बच्चों को कवि सम्मेलन में भेज दिया। बच्चों से निवेदन है, जब तक कवि सम्मेलन सुनना हो कवि सम्मेलन सुने, नींद आए तो यहीं सो जाए, आधी रात को घर पर नहीं जाए, क्योंकि आधी रात को घर पे जाने से माता पिताओं को परेशान करता। वैसे बच्चे होना अच्छी बात, बच्चे राष्ट्र की धरोहर है, बच्चों पे सरकार का प्रतिबंध है दो या तीन वर्ष, लेकिन ये कानून बिहार में लागू नहीं होता। वो लालू यादव के नौ बच्चे, वो लालू यादव के नौ बच्चे हैं तो पूरे देश में हंगामा क्यों? लालू यादव के नौ बच्चे हैं तो पूरे देश में हंगामा क्यों मचा दिया? अरे आपने यहाँ पे महाभारत के समय धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे
और वो भी जब की बात है जब वो अंधा था, अगर आके वो चित्ता नहीं। मैं बीच बीच में अंग्रेजी इसलिए बोलता जाता हूँ ताकि यार सब लोग समझ ले कि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। और अब जो आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ वो इतनी जोरदार कविता है कि इतनी जोरदार कविता ना तो किसी ने लिखी, ना कोई लिख सकेगा और ना लिखी जाएगी, और अगर कोई लिख भी लेगा तो मैं उसका क्या कर लूंगा। और सामने बैठे हुए दादाजी को देखकर एक बात याद आई, कौन कहता कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता, तो कौन कहता कि बुढ़ापे में प्यार का सिलसिला नहीं होता। अरे आम तब तक मजा नहीं देता जब तक वो पिलपिला नहीं होता। कोई दो एक पिलपिले आम बोल रहे हैं उधर। वो एक सरदार जी तिरंगा झंडा लेकर जा रहे थे। नहीं, कुछ राष्ट्र की बात भी करना चाहता हूँ मैं, पर अब हास की बात, राष्ट्र की बात हास में कैसे होगी देखना आप। वो एक सरदार जी तिरंगा झंडा लेकर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि इसमें जो केसरिया रंग है ये हिंदुओं का है, और इसमें जो सफेद रंग है ये ईसाइयों का है, और इसमें जो हरा रंग है ये मुस्लिमों का है, तो बताइए सरदार जी इसमें क्या आपका है। सरदार जी ने कहा इसमें ये जो झंडा है ये क्या तेरा बाप का है। मैं आपको एक बार बता दूंगा कि मैं मेरे घर के सामने मैंने एक बगीचा लगा रखा है, मैं उसमें रोज सिंचाई का काम करता हूँ, पेड़ पौधों में पानी लगाऊंगा। अब जब मैं यहाँ परवलिया आने लगा तो मेरी घरवाली ने सोचा ऐसा नहीं हो यार पेड़ पौधों में पानी डालना भूल गया, तो आप बात मानो वो मुझसे सुबह से ही कहने लग गई ए पेड़ पौधों में पानी डालिया। इसमें असली कौन सी बात है, मेरी घरवाली इतनी इज्जत से बोलती है ए पेड़ पौधों में पानी डालिया, पेड़ पौधों में पानी डालिया, पेड़ पौधों में पानी डालिया। अरे पेड़ पौधों में पानी डालना है तो डाल लूंगा, लेकिन तो सुबह से ही डालिया 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 करके मेरे नाम को बिगाड़ रही है। अब ये राजन भी अब उससे कहने लगे यार गंगा सही तो बात है, अरे नाम तो डम डम का रखते है, डालिया डाल डालचंद ये कोई नाम है। और मैंने कहा राजन भैया मेरा नाम राष्ट्रीय स्तर के गानों में गाया जाता है। कैसे सुनो कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा, वो डालचंद नाम है मेरा। और जहां हास्य कविताओं का जिसने जम के जादू बिखेरा वो डालचंद नाम है, वो डालचंद नाम है। छह डालचंद छह डालचंद दे डालचंद तो राष्ट्रीय गाना नहीं ये तो फिल्मी गीत है। मैंने राजेश भैया मेरे नाम का जो फिल्मी गीत बना है वो सुनो कि तोबा ये मतवाली चाल है, कि तोबा ये मतवाली चाल झुक जाए डालिया की डाल, कि तोबा ये मतवाली चाल झुक जाए डालिया की डाल, चांद और सूरज आकर देखे मेरा रोज कमाल डालिया डालिया तेरी मिसाल कहाँ।
बचा। और अब आपको ये बात मालूम पड़ गई कि मेरा नाम दालचंद, और दालचंद का मतलब होता है चंद्र डाल, और डाल की उत्पत्ति हुई पेड़ से। वो किस्मत की बात है कि मेरे बाप का नाम पेड़ चंद। नहीं, इसमें असली कौन सी बात है? आप में से किसी के बाप का हो तो बता। कोई तो नहीं। मेरा नाम दालचंद, मेरे बाप का नाम पेड़ चंद। एक दिन मास्टर ने पूछा, आपका नाम दालचंद, बाप का नाम पेड़ चंद, कितने बहन भाई हो? मैंने कि 20। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी यही करते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, जब 20 बहन भाई हो तो क्या परिवार नियोजन वाले नहीं आते? मैंने आते हैं ना, कोचिंग की क्लास में के वापस चले आते। एक दिन साहब पिताजी हमको शादी समारोह में लेकर खाना खिलाने के लिए। अम्मा इतने सारे बच्चों को देखकर एक व्यक्ति ने पूछा, इतने सारे बच्चों को लेकर आ गए, लज्जा नहीं आई? पिताजी ने कहा, कोई मेकअप करके आ जाए। एक बार हमको पिताजी उसमें लेकर साहब चिड़ियाघर में, वो चिड़ियाघर में मेले में दिखाने के लिए। अब वो चिड़ियाघर वाला लड़का राजेश भैया, चिड़ियाघर वाला लड़का जोर जोर से आवाज लगा रहा था, आइए आइए, बड़े बड़े हाथी, बड़े जानवर देखिए, अजगर देखिए, मगर देखिए, 20 फुट लंबा सांप देखिए। मेरे पिताजी ने कहा, मेरे साथ में 20 बच्चे हैं, फुट कंस्ट्रक्शन मिलेगा? मैंने जो कहा, 20 बच्चे आपके हैं? पिताजी ने जी हाँ। उन्हें को फिर आप अंदर आ जाइए। और भाई साहब गजब हो गया, हमारे अंदर जाते से ही वो चिड़ियाघर वाला लड़का जोर जोर से आवाज लगाने लगा, आइए आइए, बड़े बड़े हाथी, घोड़े, जानवर देखिए, अजगर देखिए, मगर देखिए, 20 फुट लंबा सांप देखिए, और साथ में 20 बच्चों वाला बाप देखिए।